चलिए अब खबर मिल रही है जोधपुर से, जहां पर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध देखने को मिली है। जेल में तलाशी के दौरान अवैध सामान मिला है, 10 लीटर की स्प्रिंग और 6 डेटा केबल इस दौरान बरामद की गई है। सलीम उर्फ टिड्डी की बैरक से ये सामान बरामद हुआ है। जेल प्रहरी राजेश मीणा ने इस दौरान मुकदमा दर्ज करवाया है। रतनाड़ा थाना पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां सेंट्रल जेल में फिर एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते यहां पर नजर आ रहे हैं। 10 हीटर की स्प्रिंग और 6 डेटा केबल बरामद हुई है सलीम उर्फ टिड्डी की बैरक से। लगातार जो है सुरक्षा में सेंधमारी की घटनाएं जोधपुर सेंट्रल जेल में दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बार फिर से जो है सेंध यहां पर नजर आ रही है सुरक्षा में। जेल प्रहरी राजेश मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है, जिस पर अब रातानाड़ा थाना पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। जोधपुर का ये पूरा मामला है, जहां सेंट्रल जेल, जहां पे कई हार्डकोर अपराधी को रखा जाता है, वहां की सुरक्षा में इस तरह की सेंधमारी, इस तरह की चूक होना कई तरह के सवालों के घेरे में खड़े करता है प्रशासन। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गिरीश। गिरीश, लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में सुरक्षा में जो चूक सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये बात करें तो पिछले 2 महीने में लगातार जी गिरीश क्या कुछ जानकारी मिल रही है लगातार जो है चूक यहाँ पर सुरक्षा में देखने को मिल रही है सेंट्रल जेल में? लगातार 6 महीनों से 6 बार की कार्रवाई हुई है, और 6 बार की कई बार मोबाइल मिले हैं, मिली है, और कई बार अवैध मादक पदार्थ भी मिले हैं। फिलहाल इस मामले की बात करें तो जेल प्रहरी राजेश मीणा ने खुद मुकदमा दर्ज कराया है, और इसमें पूरे मामले की जांच रातानाड़ा पुलिस थाना कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें 6 बार तलाशी ली गई जेल में, और 6 बार कुछ न कुछ अवैध सामग्री वहां से मिली। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं।